हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे स्टूडेंट हैं पॉलीटेक्निक कॉलेज में, कंप्यूटर साइंस ट्रेड है। मुझे बहुत अफसोस होता है ये जान करके कि ऐसे कॉलेजों में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप पॉलीटेक्निक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक पाइथन आता है, HTML आता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी SQL भी पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ पढ़ाई होती नहीं है। छोटे शहरों की बात करें वहाँ पर, अब मैं नाम नहीं लूँगा ज़िले का या जो भी हो, ठीक है, आसपास का ही ज़िला है। तो ऐसे कंडीशन में इनको बताया गया था, नोटपैड के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है, एक तो प्रोग्राम बताया गया था, वो छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करता हूँ और नोटपैड को ओपन करने का प्रयास करता हूँ। तो ये नोटपैड मैंने लिखा, आप इसको रन कमांड के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। तो ये नोटपैड आ गया, ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है। कारण क्या है इसके सिंपल टेक्स्ट एडिटर होने का, कि कोडिंग जो की जाती है ना वेब पेज बनाने की, वो इसी पे होती है, ठीक है। और भी आते हैं तो सॉफ्टवेयर और भी आते हैं, लेकिन जनरली सिखाना स्टार्ट किया जाता है नोटपैड से ही। तो सिंपल नहीं होगा, तो जैसे डिज़ाइन वाला होगा तो चेंज हो जाएगा, आपका जो प्रोग्राम है वो चलेगा, तो आप प्रिंट करवाएंगे कुछ और तो प्रिंट हो जाएगा कुछ और, इसीलिए इसको सिंपल टेक्स्ट एडिटर ही रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटे से प्रोग्राम की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, तो यहाँ HTML लिखिए, हेड लिखिए, फिर यहाँ पर टाइटल लिखिए। दो प्रकार के टैग होते हैं इसमें, एक होता है सिंगुलर टैग जिसे हम एम्प्टी टैग भी बोलते हैं, और एक होता है पेयर्ड टैग जिसे हम कंटेनर टैग भी बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के HTML में टैग होते हैं, ठीक है। जो एम्प्टी टैग होता है इसे स्टैंड अलोन टैग के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर टाइटल में मैं दे देता हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम, आपको ऐसे ही टाइप करना है बिल्कुल, ठीक है, आसान है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सारा HTML का वीडियो मेरा पड़ा हुआ है। तो ये हो गया, अब इसको क्लोज कर दिया हमने, एंटर करके जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर हेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। जिसको ओपन करेंगे ये बात याद रखिएगा कि उसको क्लोज भी करना है, क्लियर। अब यहाँ पे बॉडी टैग लगा लेता हूँ, अब यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट करा देता हूँ मैं, सिंपली बॉडी पे ही हेलो प्रिंट करा देते हैं। तो ये लीजिए हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है, और यहाँ बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, जो ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। अब कुछ ऐसे टैग होते हैं जो क्लोज नहीं किए जाते हैं, यानी वो स्टैंड अलोन होते हैं, उनके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी हम पहले इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब HTML को क्लोज कर देते हैं, बॉडी को तो क्लोज कर ही दिया हमने, अब इसको सेव करना है। तो देखिए वेब पेज के जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो होती है .html है, HTML लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। ये हो गया, और यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्रिएट होकर आ गया है। तो डबल क्लिक जैसे ही करेंगे हम, तो देखेंगे कि इसको हमें ब्राउज़र पे लेके जाना है, तो ये ब्राउज़र पे ही रन होगा प्रोग्राम। हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है, लेकिन अब प्रोग्राम हमको दूसरा बनाना है। तो यहाँ पर यही हमारा प्रोग्राम था, इसको मैं नोटपैड पे ले लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और नोटपैड पे इसको ले लेता हूँ। अब इनको ये बताया गया है कि एक तो हेडिंग टैग होता है, तो हेडिंग टैग जो होता है वो एक लिमिटेड टाइम के बाद रिपीट होने लगता है, रिपीट होता है मतलब बार बार वो वही चीज़ आने लगती है। जैसे सबसे बड़ा जो हेडिंग टैग होता है वो होता है H1, ठीक है। यहाँ पे पहले बॉडी मैं ओपन कर लेता हूँ और इसी में मैं H1 यहाँ पे लगाता हूँ। H1 टैग सबसे बड़ा टैग होता है, ठीक है, और यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम द शाइन इन लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया द शाइन, क्या था कि ये नीचे जो है H2 के बाद H3 H4 H5 H6 H7, ये जितना छोटा करेंगे इसको ना, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही छोटा होता जाएगा। छोटा होने की एक लिमिट होती है भैया, ये जितना बढ़ाएंगे उतना नहीं छोटा होगा, एक लिमिट के बाद ये छोटा होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे ये H2 हो गया, और फिर इसी चीज़ को मैं उठा लेता हूँ, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसी को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर H5 को भी क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से, क्लोज हो गया। क्लोज करने के बाद H6 लगाइए कुछ इस तरीके से, H6 लगाने के बाद फिर वही द शाइन इन इंस्टीट्यूट दे देता हूँ यहाँ पर, और फिर H6 को भी क्लोज कर देता हूँ। फिर यहाँ पर कर देता हूँ H7, ठीक है। अब देखिए H6 के बाद मैंने H7 किया है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, H7 यहाँ पे किया है, फिर यही चीज़ सेम ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर अब H7 कर देता हूँ, ठीक है। इनका कहना था कि और नीचे ले जाएंगे तो और नीचे जो है छोटा होता चला जाएगा, ऐसा ही इनको बताया गया था, नहीं ऐसा नहीं होता है भाई, सुधार कर लीजिए अपने में, ठीक है, जो बताया गया था उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिए। यहाँ पर अब Ctrl+V फिर प्रेस करता हूँ, अब ये इसके बाद रिपीट होने लगता है एक लिमिटेड टाइम के बाद, वही दिखा रहा हूँ आपको। H8 कर दिया हमने, H9 कर देते हैं, एक और कर देते हैं, बस H9 तक ही रखते हैं, ठीक है, और इसको क्लोज करके यहाँ पर
बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं, और नीचे HTML तो क्लोज हुआ ही है। अब इसको फिर वापस से सेव करता हूँ, फर्स्ट के ही नाम से इसे से सेव रखते हैं हम, ठीक है, ये कर लिया हमने। और अब इसको फिर वापस से रन करवाता हूँ, तो इस पर डबल क्लिक करूँगा, प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। रन होगा तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से प्रिंट होकर आ रहा है। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर रेपिटेशन की बात आई, तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मैंने कहा था 6 के बाद एक सीक्वेंस रिपीट होने लगता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 के बाद ये सीक्वेंस रिपीट ही तो हो रहा है कि नहीं है। सेम इसकी साइज है, इसकी भी साइज सेम है, इसकी भी साइज सेम है, और इसकी भी साइज सेम है, ठीक है। तो 6 के बाद ये करेंगे तो ये रिपीट होने लगेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना।